नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेयू एग्री साइंस लिमिटेड के भेनस इंसेक्टिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें टेक्निकल क्या है और इसको हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड किन किन कीटों को पूरी तरह नियंत्रित करता है, और इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर कैसे कार्य करता है, और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसके साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसी सेम मिश्रण का अन्य कंपनियों का किन किन नाम में आता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ऐसी कृषि संबंधित जानकारी पहले पाने के लिए। तो किसान भाइयों, भेनस इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है एसीटामिप्रिड 20% SP। ये इंसेक्टिसाइड एक सॉलेबल पाउडर के फॉर्म में आता है, मतलब एक घुलनशील पाउडर के फॉर्म में आता है। भेनस नियोनिकोटिनॉइड समूह का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। भेनस इंसेक्टिसाइड हमारे फसलों में संपर्क प्रणालीगत और पेट क्रिया से कीटों को प्रभावी नियंत्रण करता है। ये इंसेक्टिसाइड कीटों के सभी विकास चरणों में उन्हें प्रभावी नियंत्रण करता है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड कीटों को उनकी अंडों की अवस्था, बड़े अवस्था और छोटे अवस्था में बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रण करता है। भेनस इंसेक्टिसाइड कुछ मात्रा में ट्रांसलामिनार प्रक्रिया से भी कार्य करता है, मतलब जब हम इस इंसेक्टिसाइड को हमारे फसल पर छिड़कते हैं तो यह पत्तों को स्पर्श करते ही पत्तों के ऊपरी हिस्से से पत्तों के नीचे हिस्से तक चला जाता है, जिससे पत्तों के नीचे छुपे हुए जो रस चूसक कीट होते हैं उनको मारने में इसे आसानी होती है। भेनस इंसेक्टिसाइड कुछ मात्रा में मकड़ियों को भी नियंत्रण करता है, और उसके साथ कुछ दिनों के लिए हमारे फसल को सुरक्षा भी देता है, और इंसेक्टिसाइड लाभकारी कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। भेनस इंसेक्टिसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और प्लांट टॉनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेनफास्टनेस के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड छिड़काव के 3 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड को हम धान, कपास, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, भिंडी, करेला, बीन्स के अलावा अन्य अन्य सभी सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और फूल फल वाले फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड धान के फसल में BPH को नियंत्रित करता है, और अन्य अन्य फसलों में सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, लीफ माइनर, लीफ हॉपर्स और स्केल इंसेक्ट को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड को 15 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 150 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर लगभग 10 से 12 दिन तक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो भेनस इंसेक्टिसाइड का जो 100 ग्राम का पैकिंग है वो आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाता है। अब हम इसी सेम मिश्रण का कुछ अन्य कंपनियों के ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। तो आप इसी सेम मिश्रण का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का धनप्रीत इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर पारिजात एग्रोकेमिकल्स का सर्वोत्तम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर रैलिस इंडिया लिमिटेड का मानिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर सफेक्स केमिकल्स लिमिटेड का ग्लाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि भेनस इंसेक्टिसाइड में जो टेक्निकल होता है एसीटामिप्रिड 20% SP, इन चारों में वही सेम टेक्निकल होता है, सिर्फ कंपनी अलग होने से नाम अलग अलग होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।